मैं अरुण की भलाई की बात करने आया हूँ बहन जी। इस आग को फैलने से सिर्फ आप रोक सकती हैं। आप उसको समझा दीजिए कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। कमिश्नर साहब, आपने कभी अपना घर जलते हुए देखा है? उसने देखा है। आज वो मामा ठाकुर के पाप की नगरी को जला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उसे रोक दूं? नहीं, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। कर्नल साहब, आप क्यों नहीं समझाते? आप तो फौज में रह चुके हैं। फौज में तो हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कमिश्नर साहब, दुश्मन पर टूट पड़ो और उसका खात्मा करके ही लौटो। तो इसका अंजाम अरुण को भुगतना होगा। यहाँ जंगल राज नहीं चलता। कमिश्नर साहब, जलाने दीजिए अरुण को, समाज के इस हिस्से को। विक्रम, क्यों मेरी वजह से तुम अपनी वर्दी को खतरे में डाल रहे हो? मैंने माँ से वादा किया मेरे दोस्त, तेरे साथ इंसाफ होगा, तुझे तेरी मोहब्बत मिलके रहेगी। मोहब्बत? मेरे दोस्त आग भी लगाती है उन दिलों को जिनमें मोहब्बत के चिराग जलते हैं। और फिर तुम्हारे जैसी मोहब्बत तो जमाने में किसी ने नहीं किया मेरे यार। लेकिन इस वक्त वो मामा ठाकुर की कैद में है और मैं उसे वहां से नहीं। अरुण, मैं उसे वहां से ले आऊंगा। नहीं विक्रम, तुम्हारी वर्दी पे तुम्हारे दामन में दाग नहीं लगना चाहिए। यह सब तुम मुझ पे छोड़ दो।